यहाँ तक कर लिया था अपन ने, है ना, कि एक्सटर्नल सेशन जो होता है वो कैसे अपन कॉल करेंगे, है ना। क्या करते हैं, एक अलग से सेशन फाइल बना लेते हैं, ठीक है, और उसको एचटीएमएल में ऐसे लिंक करके, है ना, कॉल कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया था। अब किसी एक सीएसएस को दूसरे सीएसएस में कॉल करना हो तो कैसे करेंगे, लिखो। इसके लिए क्या करेंगे, सो देखो, ऐसे लिखेंगे एट, जिसको एट द रेट बोलते हो आप लोग, एट इम्पोर्ट, ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद यूआरएल, और जिस सीएसएस को कॉल करना है, ठीक है, लिख लो। जैसे हमने, ठीक है, एक सीएसएस फाइल बनाया, है ना, एक फाइल बनाते हैं, नई फाइल, इसको सेव कर देते हैं, इसका नाम दे दिया c1.css, सेव कर दिया, यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक। एक और बनाते हैं नई फाइल, इसको सेव कर देते हैं c2.css, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर येलो, उसमें बैकग्राउंड दिया था, इसमें टेक्स्ट कर दिया था, ठीक है। अब वो जो C1 है, यहाँ पे एक्सेस ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे एट इम्पोर्ट URL, C1 डॉट, आया समझ में, है ऐसे होगा कॉल, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये जो C2 है ना, इसको हम HTML में कॉल कर देंगे, तो C2 को HTML में कॉल करेंगे, तो C2 वाला ये वाला तो मिल ही जाएगा फीचर, प्लस C1 वाला भी मिल जाएगा, क्योंकि C1 जो है वो C2 में इंपोर्ट हो गया, ठीक है। चलो एक नई फाइल बनाते हैं, इसको सेव कर देते हैं h1.html से, ठीक। यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, किसको, C1 को, C2 को, C2 को, क्यों, क्योंकि C2 में C1 लिंक किया हुआ, इंपोर्ट किया हुआ है, C2.html, CSS, सॉरी, यहाँ पे पैराग्राफ लिखो, दोनों चीज अप्लाई हो जाएगा, C1 से बैकग्राउंड आ जाएगा, C2 से टेक्स्ट कलर आ जाएगा, रन करो, देखो दोनों चीज अप्लाई हो गया, समझ में आ गया। चलो करके देखो, करो अपने अपने में करो। देखो सेलेक्टर क्या होता है ना, जिनको यूज, है ना, करके अपन स्टाइल देते हैं ना, ये एक सेलेक्टर ही है, जिन एलिमेंट्स को यूज करके अपन स्टाइल देते हैं ना, डिजाइन देते हैं, उसको सेलेक्टर ही बोलते हैं, ये भी एक सेलेक्टर ही है, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो
जिस एलिमेंट को यूज करके अपन स्टाइल बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्या लगता है? स्टाइल विल बी क्रिएटेड यूजिंग स्पेसिफिक कीज और एलिमेंट कॉल सेलेक्टर, ठीक है, जिसको यूज करके स्टाइल देते हो उसी को सेलेक्टर बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एचटीएमएल सेलेक्टर या फिर प्रीडिफाइंड सेलेक्टर, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रीडिफाइंड सेलेक्टर या यूजर डिफाइंड सेलेक्टर, ठीक है ना? क्या नहीं, प्रीडिफाइंड सेलेक्टर जिसमें एचटीएमएल के टैग्स यूज होंगे, और प्रीडिफाइंड सेलेक्टर जो होगा वो कस्टम सेलेक्टर होगा। यूजर डिफाइंड सेलेक्टर जो होगा वो है ना कस्टम सेलेक्टर होगा, और एचटीएमएल सेलेक्टर जो होते हैं वो प्रीडिफाइंड होते हैं। जैसे PH1 मतलब एचटीएमएल के जो टैग है ना उनको यदि यूज करके तुम स्टाइल दे रहे हो वो हो जाएंगे प्रीडिफाइंड सेलेक्टर या एचटीएमएल सेलेक्टर। और यूजर डिफाइंड मतलब खुद से कुछ भी दे दिया नाम ABC वो यूज करके दी स्टाइल दे रहे हो वो हो जाएंगे यूजर डिफाइन या कस्टम सेलेक्टर। समझ में आया? ठीक है ना, उसमें दो तरीका होता है, एक ID सेलेक्टर और दूसरा क्लास सेलेक्टर। कैसे देंगे आगे देखेंगे। और थर्ड होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर जो सबके लिए होगा, पूरे के पूरे वेबसाइट के लिए होगा, ठीक है, सब पे अप्लाई हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। जो भी यूनिवर्सल सेलेक्टर में लिखोगे ना वो सबके लिए अप्लीकेबल होगा। किसके लिए अप्लीकेबल होगा? सबके लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है, चलो नोट करो। अब सबसे पहले देखते हैं एचटीएमएल सेलेक्टर। अब एचटीएमएल सेलेक्टर में कुछ भी नहीं है, ये अपन ने जो यूज किया है ना ये एचटीएमएल सेलेक्टर ही है। एचटीएमएल का टैग जब यूज करते हैं ना, अब जैसे आई यूज कर लिया यहाँ पे, तो आई जहां जहां कॉल करोगे ना इटैलिक भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो भी लिखोगे वो वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। आई बस समझ में? अभी जैसे यहाँ पे एचटीएमएल में लिख दो आई, देखो इटैलिक भी हो गया और ग्रीन भी हो गया। समझ में? तो एचटीएमएल के जो टैग हैं उनको यूज करके यदि स्टाइल देते हैं तो उनको बोलते हैं एचटीएमएल सेलेक्टर। कोई दिक्कत? या प्री डिफाइंड सेलेक्टर, ठीक है। अब आते हैं यूजर डिफाइंड सेलेक्टर में या कस्टम सेलेक्टर। ये दो तरीका था, आईडी और क्लास, ठीक है। आईडी जो है वो हैश के साथ में डिक्लेयर करते हैं, है ना, आईडी किसे यूज करते हैं? ऐसे साथ में। अच्छा, उसके बिफोर एक चीज और देख लो, यदि सेम स्टाइल एक से अधिक में देना हो, मान लिया यहाँ पे लिखा H1, H1 का स्टाइल क्या आएगा? नॉर्मल आएगा क्योंकि H1 का कुछ दिया ही नहीं है। मान लिया यही वाला स्टाइल H1 के ऊपर भी अप्लाई करना हो तो अपन क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे ऐसे करके कॉमा लगा देंगे, ठीक है। H3 पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, समझ में? हाँ, अब देखो H1 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई हो गया, तो वही चीज है, पहले ये कर लो फिर आईडी और उसमें क्लास में आते हैं। लिखो क्या लिखो भाई? कॉमन स्टाइल फॉर मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट, लिख लो। देख आईडी सेलेक्टर जो है वो हैश के सिंबल के साथ में होगा, और जब क्लास बनाएंगे वो तो डॉट के साथ में होगा। जब कॉल करेंगे उसमें आईडी एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और डॉट को जब यूज करेंगे उसमें क्या यूज करेंगे? क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। आईडी सेलेक्टर जो है वो हैश के साथ में डिफाइन होगा। देखो यहाँ पे ऐसे हैश लिया,
कुछ भी नाम ले लिया, इसको कॉल कैसे करेंगे, इस तरह से आईडी लिखा और कॉल किया, ठीक है ना, समझ रहे हो, कुछ भी नाम दे देंगे एबीसीडी हैश के साथ, और इसको कॉल कैसे करेंगे, आईडी कीवर्ड के साथ में, जिसमें भी अप्लाई करना हो, जहां जहां अप्लाई करना हो, ठीक है। वैसी जो क्लास सेलेक्टर है इसको डॉट के साथ में अपन करेंगे, ठीक है। और एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लास लिख करके, सुना रहे हो, आईडी को कैसे कॉल करेंगे, आईडी लिख करके, और क्लास को कैसे कॉल करेंगे, क्लास लिख करके, डिफाइन करते वक्त क्लास को क्या देंगे, डॉट के साथ में एबीसीडी, और आईडी को क्या देंगे, आईडी को क्या देंगे, हैश, ठीक है, समझ आ गई बात। चलो करो नोट, मैं दूसरे बैच में हूँ, मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, देख जैसे अपन ने लिखा है यहाँ पे हैश, क्या लिखा, हैश एबीसी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कलर ब्लू, है ना। अब देखो इसको एक्सेस यहाँ पे ऐसे करेंगे, जिस पे अप्लाई कर, मान लिया यहाँ पे ले लिया H6, यहाँ पे क्या लिख देंगे, आईडी, नाम क्या दिया था, एबीसी, हो गया कॉल, हो गया ना, ब्लू हो गया ना, ठीक है। वो यदि क्लास कॉल करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास, और यहाँ पे क्या दे देंगे, डाउट, ठीक है, बस यही तो है। चलो बाकी नोट करो, मैं दूसरी क्लास में जा रहा हूँ।